हेलो, गुड मॉर्निंग पीपल, व्हाट्स अप, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज है संडे, आज है छठ पूजा का शाम वाला अर्घ, तो हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन। और मैं सो के उठ गई हूँ क्योंकि संडे है, थोड़ा लेट से उठी हूँ, 10:30 बजे के करीब मैं उठी हूँ। एंड मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ डोसा, पनीर डोसा, ठीक है, सेजवान चटनी मैं यूज़ करूँगी। तो आइए मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ मेरी डोसा रेसिपी। डोसा का बैटर मैंने बनाया नहीं, मैंने रिलायंस फ्रेश से खरीदा हुआ था पाउडर वाला, ये वाला। तो आज का सुबह का व्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है। मैंने अपना चाय नहीं बनाया है, मैं डोसा बनाऊंगी पहले हस्बैंड के लिए, उसके बाद मैं आराम से चाय बना के पीऊँगी एंड डोसा भी खाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम डोसा बनाया था, मतलब एक दो दिन पहले मैंने बनाया था। मैंने चटनी भी बनाया था, पर चटनी पूरा खत्म हो गया, आज मन नहीं कर रहा चटनी बना। पनीर है, सेजवान चटनी एंड ये रवा डोसा, अमूल का दही एंड हल्का सा, मेरा लास्ट टाइम का हल्का सा ये बचा हुआ है मसाला, ये भी मैं डाल दूंगी एक डोसा में। और चलिए फिर मैं अब बनाती हूँ। ज़्यादा है नहीं बचा, इसलिए सादा ही मैं डाल दे रही हूँ। दही थोड़ा सा, इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। बैटर को 5 मिनट के लिए आप साइड रखिएगा। तो 5 मिनट हो गया है एंड मैंने थोड़ा सा प्याज एंड मिर्चा भी काट लिया है। पहला वाला, डोंट वरी, पहला वाला आपका ऐसा ही होगा, दूसरा टाइम से अच्छा होगा। पहला वाला हल्का सा आपका मोटा बनेगा। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा प्याज एंड मिर्चा, सेजवान चटनी, और फिर पनीर। थोड़ा सा और सेजवान डाल देती हूँ।
बहुत अच्छा। हाय गाइस, सो दिस पार्सल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम मिंत्रा एंड मैं इसको अभी अनपैक करने वाली हूँ। एंड अभी शुभमन गिल आउट हो गया एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे ही चलते आउट हो गया बिकॉज मैं देख रही थी क्रिकेट एंड देखते ही देखते वो आउट हो गया एंड आई वॉज लाइक मैं ही पनौती हूँ, मेरे ही चलते आउट हो गए। इसलिए मैं उस रूम से निकली एंड मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती। मैं ये पार्सल अभी आपको दिखाऊंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है एंड वी आर एक्साइटेड एज वेल एज वी आर नर्वस एट द सेम टाइम, बट लेट्स सी। मेरे हस्बैंड जस्ट अभी देख के गए कि क्या कर रही है ये, कहाँ गई, बट चलिए लेट्स ओपन दिस। चलिए तो इसे खोलती हूँ मैं। ज़्यादा कुछ मैंने ऑर्डर नहीं किया है, बस एक टी शर्ट ही ऑर्डर किया है एंड सो दिस इज द टी शर्ट। It says happy girl. So I'm a happy girl. So that's why happy girl t-shirt for me. ये मैं पहनूंगी। एक्चुअली मैंने टी शर्ट ऑर्डर किया है, मैं पूरी जा रही हूँ 27th को, तो इसलिए मैं कुछ कुछ ऑर्डर कर रही हूँ ताकि वहाँ जाके एक्चुअली ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, तो रहने वाली नहीं हूँ, दो दिन का स्टे है, तो दैट्स इट। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ये टी शर्ट ऑर्डर किया है। मैंने कलर इस सुपर डुपर नाइस, दिस कलर एक्चुअली सूट्स मी अलॉट। स्पीच कलर, पिंकिश कलर, वाइट कलर, बेज कलर, दीज कलर सूट्स मी द बेस्ट एंड आई डोंट नो, आई थिंक डीप कलर ऑल्सो सूट्स मी, बट आई पर्सनली लाइक ओनली लाइट कलर। सो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके मैं लाइट कलर्स ही ऑर्डर करूँ बिकॉज दैट सूट्स माई वाइब। This I have bought in the size L and यहाँ पर लिखा है 899, but this has costed me only I guess 300 something, 300 or 400 something, I don't remember, we'll see and then, yeah, it has costed me 323 rupees. So it's nice ना, ये range में मुझे ये टी शर्ट मिल गया है, it's good, nice, बहुत अच्छा है। मैं पहनूँगी पूरी में, तब आप देखिएगा। Okay, so I forgot to tell you the brand name. It's from Cook and Keach. Yes. गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 5 एंड मैं अभी जा रही हूँ घाट, मैं और मेरे हस्बैंड एंड चलिए फिर मैं आपसे डायरेक्टली घाट में मिलती हूँ। गुड इवनिंग, तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, उनका कुछ फॉर्मल्स ख़रीदना है। तो ये मेरा लुक है, ठंडी पड़ गई है दैट्स वाई मैंने एक टर्टल नेक स्वेटर पहन लिया है एंड ये पैंट ट्राउज़र, बट्स हो गया अभी तुरंत हम लोग निकलेंगे। मॉल पहुँच गए हैं हम लोग दोनों और हाँ ठीक है, पहले देख लेते हैं इधर उधर कहाँ अच्छा रहेगा, बाकी प्लान तो है वेस्ट साइड से लेने का। तो चलिए सबसे पहले पैंटलूंस। ये बहुत ही अच्छा है, दिखाओ ये वाला, हाँ अच्छा लग रहा है, दिखाओ कैसा लग रहा है।
हाँ अच्छा लग रहा है। ये रेगुलर वाला है तो इसका तुमको एक साइज डाउन लेना होगा। ये वाला देखो कैसा लग रहा है। हाँ खास नहीं लग रहा है। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ अभी घर? हाँ हाँ घर बहुत हो गया। कुछ नहीं हुआ। फॉर्मल लेने आए थे, मेरा फॉर्मल से ज्यादा तो नहीं, मेरे को घुमा मेरे को ये कुछ लेने नहीं दिया है, ठीक है, एंड मुझे अपना पसंद का कुछ मिला भी नहीं है, इसलिए नहीं लेने दिया। पसंद का मिलता तो तुम ले ही लेती। बेज काइंड ऑफ कलर है, बेज क्या? दिखाइए क्या क्या है आपके पास कलर। छोटा में छोटा में
डबल डुअल कलर पिंक ठीक है। गाइस हमने 3 बार सीट चेंज किए हैं इसके वजह से, मेरे वजह से नहीं तुम्हारे वजह से, इसको कोई सीट पसंद नहीं आ रहा। लास्ट में हम यहाँ आके बैठे हैं। क्या है ये वाला? पनीर वाला। पनीर है ना? I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग 5 दिन के बाद आया है, 5 दिन का गैप हो गया है इसीलिए, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट, दिल से बहुत ज़्यादा ही, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा ही मैं लो फील कर रही थी, बिकॉज इंडिया हार गया है एंड मैं बहुत अब क्रिकेट को फॉलो करने लगी हूँ। मैंने अब मेरे हस्बैंड को बोला भी कि मैं इतना फॉलो करने लगी थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ। पहले उतना हर्ट नहीं होता था बिकॉज मैं तो फॉलो ही नहीं करती थी, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था तो वैसे, पर अब जितना मैं एंगेजमेंट अपना बढ़ा रही थी क्रिकेट के प्रति तो मुझे और अच्छा लगने लगा, एक्साइटमेंट होने लगा था। एंड इंडिया हार के एंड बहुत अच्छा प्ले किया था, 10 गेम इंडिया ने जीता था एंड फाइनल में आई थिंक वो लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो भी रीज़न हो आवर टीम प्लेड वेरी वेल एंड आई होप कभी हम फिर से वर्ल्ड कप जीते। एंड चलिए इसी नोट पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम PRIANC_BANERJEE। आई होप आपको हमारा मेरा व्लॉग्स बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड मेरा इतना गैप हो गया था 5 दिन का तो सब मुझे मैसेज कर रहे थे कि तुम्हारा नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो इट फील्स वेरी नाइस कि लोगों को अच्छा लग रहा है एंड जब मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ तो दे आर वेटिंग एंड वो मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी डालो, वी आर वेटिंग। सो ये सब बहुत अच्छा लगता है एंड अभी मैं पूरी भी जाने वाली हूँ तो अच्छा अच्छा व्लॉग्स और आने वाले हैं एंड प्लस एक और सरप्राइज़ है आप सबके लिए, वो कुछ 1-2 व्लॉग्स के बाद शायद वो आ जाए, आई डोंट नो क्या है, बट जो भी है कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, आई लव यू ऑल, टेक केयर।